हेलो एवरीवन। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक सिचुएशन देता हूँ कि एक सर्किट है, उस सर्किट में मुझे करंट को रिड्यूस करना है। क्या करोगे बताओ, व्हाट विल यू डू? द आंसर इज वेरी सिंपल, राइट? तुम क्या बोलोगे? सर बहुत सिंपल है, हम सर्किट में रेजिस्टर लगा देंगे। रेजिस्टर लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, अपने आप घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट देखो, अगर हम एक रेजिस्टर लगा देते हैं ना सर्किट में, नो डाउट द पर्पज विल बी अचीव्ड, करंट विल बी रिड्यूस्ड, बट एट द सेम टाइम द एनर्जी लॉसेस विल ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी को डिसिपेट करता है। तो अभी अगर तुम्हारे सामने ऐसा एक सिचुएशन है जहाँ पर तुमको करंट को घटाना भी है और सर्किट से एनर्जी को बाहर भी नहीं भेजना, एनर्जी को लॉस नहीं करवाना, तो क्या कर सकते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन है। हम एक इंडक्टर यूज कर सकते और इंडक्टर यूज करके हम एनर्जी को तो रिड्यूस, करंट को तो रिड्यूस कर ही सकते हैं। एट द सेम टाइम वी ऑल नो कि इंडक्टर एनर्जी लॉसेस कभी भी करवाता नहीं है। चोक कॉइल मतलब इंडक्टर ही है भाई साहब, चोक कॉइल मतलब इंडक्टर, ठीक है ना? तो देखो, इंडक्टर लगाने से फर्क क्या पड़ेगा, मैं तुमको ये फिजिकली पहले समझा देता हूँ, ठीक है ना? लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एन इंडक्टर, एक छोटा सा चीज़ फिर से याद दिलाना चाहूँगा। एक बार ये याद करो, अपने बेसिक्स पे ध्यान दो कि इंडक्टर का पर्पस क्या है। इंडक्टर चेंज को अपोज करता है। इंडक्टर क्या करता है, चेंज को अपोज कर देता है। इंडक्टर करंट के चेंज को, करंट जितना रैपिडली चेंज करना चाहेगा इंडक्टर उसको करने नहीं देगा। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। जब मैं एक ना एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाऊंगा ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। मेरे से एक सर्किट में इंडक्टर नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो वो जो करंट है फॉर एग्जाम्पल, वो लेट से जीरो से, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? लेट्स से ये 0 seconds है, ये 5 seconds है, दिस इज टाइम, एंड करंट का वैल्यू 0 से इंक्रीज होकर लेट्स से कहाँ तक पहुँचता है, अगर इंडक्टर नहीं है तो लेट्स से 100 एम्पीयर तक पहुँच जाता है, ठीक है? और ये हो गया लेट्स से दिस इज 2.5 seconds। बात को समझो, दिस इज विदाउट इंडक्टर, ठीक है ना? ओके, दैट मीन्स 0 से लेकर 2.5 seconds तक करंट का वैल्यू 0 से ग्रो करके कहाँ तक पहुँच जाएगा, 100 एम्पीयर तक पहुंच जाएगा। 2.5 सेकंड्स के बाद अपने आप वो करंट क्या करेगा, गिरना चालू करेगा, 100 से फिर 0 तक गिरना चालू करेगा। अभी अगर तुम इस करंट को रिड्यूस करना चाहोगे, तुमको सिंपली क्या करना है, उस सर्किट में एक इंडक्टर इंट्रोड्यूस कर देना है। इंडक्टर क्या करेगा भाई, इंडक्टर जो है वो करंट की ग्रोथ को क्या करेगा, अपोज करेगा। अभी अगर इंडक्टर लगा दो तो क्या होगा, करंट जितना रैपिडली ग्रो करता, जितना जल्दी ग्रो करता, इंडक्टर लगाने के बाद उतना फास्ट ग्रो नहीं कर पाए। दैट मीन्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, हाँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अभी विद इंडक्टर अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, उतने ही टाइम में 0 से लेकर 2.5 सेकंड्स तक करंट जो है वो 100 एम्पीयर तक पहुँच नहीं पाएगा, बिकॉज ये जो इंडक्टर है वो ग्रोथ को अपोज कर देगा, ग्रोथ को डिले कर देगा। तो लड़े से उतने ही टाइम में करंट का वैल्यू लड़े से 0 से कहाँ तक पहुँचा, 70 एम्पीयर तक पहुँचा। बात समझ में आया? बिकॉज इंडक्टर ग्रोथ को चोक कर देगा। चोक का मतलब क्या है, चोक का मतलब है स्ट्रैंगल कर देना। तो यहाँ पर जो इंडक्टर है वो करंट को रिड्यूस नहीं करता, करंट की ग्रोथ को डिले कर देता है, राइट? अंडरस्टैंड? अभी अगर करंट का ग्रोथ डिले हो गया, मतलब उतने ही टाइम में 0 से लेकर 2.5 सेकंड्स तक करंट 0 से 70 तक ही पहुँच पाए, लेकिन उसके बाद क्या है यार, उसके बाद तो करंट गिरना चालू करेगा। इज दैट क्लियर? सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, उसके बाद करंट तो अपने आप गिरना ही चालू करेगा। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो करंट बिना इंडक्टर का, उसका पीक वैल्यू 100 तक पहुँच रहा था, लेकिन इंडक्टर के प्रेजेंस में करंट का वैल्यू कहाँ तक पहुँच सकता है, सिर्फ 70 तक ही पहुँच सकता है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो एक्चुअल करंट है, मतलब विदाउट इंडक्टर, वो ग्रो नहीं करता, वो ड्रॉप करता। तो हमारा जो इंडक्टर के प्रेजेंस में जो करंट है वो भी क्या करेगा, उसके बाद ड्रॉप करना चालू कर देगा। दैट मीन्स हमने क्या किया है, पीक वैल्यू को रिड्यूस कर दिया। पीक वैल्यू को अगर रिड्यूस कर दिया तो करंट जो होगा सर्किट में वो भी क्या हो जाएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? तो हमने ग्रोथ को चोक कर दिया, दैट इज द रीजन हम इसको क्या बुलाते हैं, हम इसको चोक कॉइल बुलाते हैं, ठीक है? अभी अगर थोड़ा मैथमेटिकली एनालाइज करना है तो बात को समझो, रियल इंडक्टर के साथ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, बट दिस रेजिस्टेंस विल बी वेरी वेरी लेस, वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और इंडक्टर का खुद का जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है XL, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। तो इस इंडक्टर का रिजल्टेंट इंपीडेंस क्या है, इंपीडेंस आर प्लस XL कभी मत लिख देना, हमको इनको वेक्टरिकली ट्रीट करना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया आर, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया XL, यही है ना, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज पढ़ाया था। सो इन दिस केस इंपीडेंस
z का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखो, z इन दिस केस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, ध्यान से देखो, r स्क्वायर प्लस xl द होल स्क्वायर, मतलब ओमेगा l द होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस है वो बहुत हाई है, बिकॉज ओमेगा l विल बी वेरी वेरी लार्ज, एंड ओमेगा l के कंपेरिजन में r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू बहुत ही छोटा होगा, दैट मीन्स r जो है दैट विल बी वेरी लेस एज कम्पेयर टू ओमेगा l, ठीक है। अभी अगर हम पावर के बारे में बात करेंगे, कितना पावर कंज्यूम करेगा, वी ऑल नो कि पावर का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। एक बार कॉस फाइव पे ध्यान देते हैं, कॉस फाइव क्या होगा, कॉस फाइव विल बी बेस, ये फाइव होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज आर बाय जेड, एंड जेड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड की जगह हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल द होल स्क्वायर, ध्यान से देखें, यही है एक्सप्रेशन, राइट, दिस इज द एक्सप्रेशन। एंड वी ऑल नो कि आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के सामने आर स्क्वायर बहुत छोटा है यार, तो हम आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, ये जो है, ये जो क्वान्टिटी है, आर बहुत ही छोटा है, मैंने बताया था, ओमेगा एल का बहुत ही बड़ा है, कॉस फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट। इफ कॉस फाई इज वेरी वेरी स्मॉल तो पावर कंजम्पशन जो होगा वो भी क्या होगा, बहुत बहुत ही कम होगा। तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है जो कि बहुत ही कम है, वो थोड़ा बहुत पावर कंज्यूम करेगा, हमको मैथमेटिकली भी दिख रहा है कि पावर कंजम्पशन बहुत ही छोटा होगा, और ये जो पावर वेस्ट होगा दिस इज मच लेस एज कम्पेयर टू द सिचुएशन कि अगर हमने इंडक्टर के जगह अगर हम एक रजिस्टर लगा था, इसके कंपेरिजन में रजिस्टर इतना हीट लॉस करवा था जितना एनर्जी लॉस करवा था, इंडक्टर उतना लॉस नहीं करना है, बात समझ में। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ए चोक, आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस, फाइन, इसको अच्छे से लिख के रखो। आज का वीडियो हम यहाँ पर ही कंक्लूड करेंगे, थैंक यू।